बस यह रहा, मुझे यह जेली चाहिए। जेली? मैं यह कर सकती हूँ, बस जिलेटिन लेना है, अधिक चीनी और निश्चित रूप से पानी भी। चलो इन सबको मिलाते हैं। यहाँ बहुत सारे अलग अलग स्वाद और रंग की जेली होनी चाहिए। हाँ, एकदम रंगीन। यह फॉर्म एकदम सही है। तो हम पहली परत भरेंगे और मैं अपनी जेली में घर का बना स्ट्रॉबेरी जैम मिलाऊंगी। इसे अच्छे से मिलाना है। हाँ, इस तरह से। और अब मुझे अपने पर्स से कुछ चाहिए। नकली दांत? नहीं। फूल और कांटा? नहीं, यह भी नहीं। और यहाँ मेरा सांचा है। यही मैं अपनी जेली डालूंगी। अरे नहीं, मुझे छींक आ रही है। अच्छी, मेरा चश्मा। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। मैं जेली को रेफ्रिजरेटर में रखने जा रही हूँ और फिर तब उसकी तलाश करूंगी। ओह, मैं कहाँ हूँ? यहाँ गर्मी है और अब यहाँ बहुत ठंड है। और अब यह बहुत नम है। जिलेटिन? नहीं, गमी बेहतर है। हेलो मिस्टर बेयर। हाँ, मैंने मेरे दोस्त को खा लिया। मुझे माफ करना मिस्टर बेयर। अब मैं तुम्हें एक प्लेट पर रखूंगा और मैं एक खाऊंगा। हालांकि मुझे नहीं खाना चाहिए। थोड़ा यहाँ, यहाँ और यहाँ फिर से। हाँ, और अधिक। किसी चीज की कमी है। हाँ बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी पूरी तरह से मेरे गमी क्यूब के लिए सही होगा। खींचो। ओह, यह बहुत अच्छा निकला। और अब अन्य परते। बहुत सुंदर। अब बस इसे सजाना ही बचा है। स्ट्रॉबेरी एकदम सही है। और अब यह स्वादिष्ट क्रीम। मैं प्रत्येक परत को सजाऊंगी और ऊपर से कुछ और स्ट्रॉबेरी। इस तरह से, एकदम सही। ओ, मुझे लगता है कि दादी वापस आ गई है। दादी रुको, यहाँ तुम्हारा चश्मा है। क्या अब सब ठीक है? धन्यवाद बेन, तुम कितने अच्छे लड़के हो। और ये किस तरह के पौधे हैं? अब केवल जेली को यहाँ रखना है। वाह, चलो देखते हैं। फेस, तुम्हारा क्या कहना है? वाह, बहुत सारी जेली है। कहाँ से शुरू करूँ? मैं इस क्यूब से शुरू करूंगी। ये गमी बेयर है, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं एक ही बार में पूरा क्यूब ले लूंगी। अरे, वे बिखर गए हैं और क्यूब खाली है। इससे काम नहीं चलेगा। चलो दादी की जेली को चखते हैं। ये बहुत ही सख्त है, बहुत ही ज्यादा सख्त। यहाँ तक कि कांटा भी इसके अंदर नहीं जा रहा है। उफ, ठीक है, मुझे अपने हाथों से काम करना होगा। लेकिन यह अंदर क्या है? दादी, यह आपका चश्मा है। हाँ, अच्छा, तो जेली केक, अब तुम्हारी बारी है। वह कितना मजेदार तरीके से हिल रहा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। जेली, स्ट्रॉबेरी और क्रीम एक साथ इतनी अच्छी तरह से चलते हैं। यह बेहद स्वादिष्ट है। टीना, तुम जीत गई हो, मुझे और चाहिए। हाँ, इसके खराब होने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। क्या आप इसे मेरे लिए तैयार कर सकते हैं? एकदम आसान। या बोतल वाला दूध? नहीं, मुझे सबसे ताजी सामग्री चाहिए। हेलो गाय, ताजा दूध के लिए धन्यवाद। अब मैं इस दूध को अपने पेशेवर मिक्सर में चीनी के साथ मिलाऊंगी। अब मैं इसे सांचों में डालूंगी और स्टिक डालूंगी। चलो इस मोल्ड को इस कटोरे में डालते हैं और मेरे सूटकेस से कुछ निकालते हैं।
लिक्विड नाइट्रोजन तुरंत आइसक्रीम को फ्रीज कर देगा। टीना, तुम फिर से चीजों को मुश्किल बना रही हो। देखो और सीखो। हम आइसक्रीम को एक तरफ रख देंगे और इस बीच हम दूध, आटा, चीनी और अंडे से वोफल बनाएंगे। अच्छे से सबको मिला देना है और अब वॉफल मेकर में बैटर डालेंगे और थोड़ा इंतजार करें। और जब वॉफल थोड़ा गर्म ही हो, हम इस शेप का उपयोग करके इसे एक कोन बनाएंगे। एकदम सही कोन, एकदम सही। और अब मैं आइसक्रीम को रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी। इसे अच्छे से जमने देती हूँ। बस थोड़ा इंतजार करना है। दूध, यह बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, एक आइडिया है। मैं ये स्प्राइट ले लेता हूँ और उसमें ये स्टिक लगा देता हूँ और अब मैं इसे फ्रीज कर दूंगा। दादी, क्या आप सो गई हैं? क्या? ओह, मैं सो गई थी। मुझे जगाने के लिए धन्यवाद बेन। मेरी आइसक्रीम जम गई है और अब मैं अपना फ्रीज कर दूंगा। एकदम सही पॉपसिकल। हाँ, सही करना मेरे बाएं हाथ का खेल है और यह इस तरह से एकदम सही है। ठीक है दादी, अब बस आइसिंग के साथ पॉपसिकल को कवर करना ही बचा हुआ है और उन्हें सुंदर जानवरों का रूप देने के लिए थोड़ा सजाना है। पेज इसे जरूर पसंद करेगी। हाँ, मुझे पता है कि पेज को क्या पसंद आएगा। अब मैं अपनी आइसक्रीम से कुछ बॉल बनाने जा रही हूँ। बस मुझे यही चाहिए। और आइसक्रीम सच में स्वादिष्ट निकला। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो बेन? माफ करना दादी, मैं व्यस्त हूँ। यह ऐसे नहीं निकलेगा। उफ, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। हाँ हाँ, मैं एक चेनसॉ से बोतल काट दूंगा। सारे एक्स्ट्रास को निकाल दूंगा और मेरी आइसक्रीम तैयार है। बहुत बढ़िया, इसे खाओ प्लीज। वाह, ये बहुत अच्छा है। और यह क्या है? भारी। यह बुरा नहीं लग रहा। ओह, यह गिर गया, टूट गया। अप्स। उफ, इतना सारा। कौन सा पॉपसिकल चुनना चाहिए? वाह, चलो इस पिक को लेती हूँ, गुलाबी है। यह बहुत स्वादिष्ट है और इतना प्यारा भी है। और दादी ने कैसा किया है? वाह, मेरे ड्राइंग की तरह। यह तो जैसा मैंने सोचा था, वो उससे भी अच्छे स्वाद का है। दादी, आप जीत रही हैं। अरे हाँ, एक बाइट लो। टीना, चिंता मत करो। और अब मुझे मार्शमेलो चाहिए। है ना यह प्यारा? फिर से कुछ समझ से बाहर है, लेकिन मेरी रेसिपी बुक में निश्चित रूप से कुछ होगा। पाई, तले हुए अंडे। मुझे लगता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए और निश्चित रूप से मार्शमेलो। मैं चॉकलेट की पहली परत और ऊपर से मार्शमेलो की एक परत लगाऊंगी। एक पूरे पैक की जरूरत थी। अब मुझे एक ओवन चाहिए। अरे नहीं, बेन, धन्यवाद, तुमने मुझे और मेरी डिश को बचाया। मैं आगे से अधिक सावधान रहूंगी। मैं मोल्ड को ओवन में रख देती हूँ और अब थोड़ा इंतजार करना है। पर मैं इस खाली समय में क्या करूँ? हाँ ठीक है, मैं टीवी पर अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख लेती हूँ। ओह, कितना मजेदार। मुझे मार्शमेलो के साथ क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं उसे एक खरगोश बनाने जा रहा हूँ और मैं आंखें और एक मुंह ड्रॉ करूंगा। यह एकदम सही है। मैं खुद सब कुछ पकाऊंगी। जेलेटिन को चीनी और पानी के साथ मिलाऊंगी और उन्हें अच्छी तरह से बीट कर दूंगी। मैं इसे एक सिरिंज में डालूंगी और इसे स्ट्रॉस के अंदर डालूंगी।
मुझे कौन सा रंग चुनना चाहिए? लाल सही है। मैं इसे इस लिक्विड में डालूंगी और इसे फिर से मिलाऊंगी। रंग बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए। और अब मैं फिर से सिरिंज का उपयोग करूंगी। यहाँ अपने हाथों से तैयार मार्शमेलो ब्रेड्स हैं। अब बस उन्हें चिपकाकर एक बड़ी रस्सी बनाना है। देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा, बिल्कुल सही। ओ, यह क्या है? यह मार्शमेलो इतना लंबा क्यों है? टीना मार्शमेलो को घोंघे में बदल गई है। मुझे लगता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं मिला। एकदम सही स्पाइरल। वैसे दादी कहाँ है? ओह, कितना दुख भरा एपिसोड है। अब मैं और नहीं देख सकती। लेकिन मेरे मार्शमेलो तैयार है। यह जरूर पेस को पसंद आएगा। क्या खुशबू है। वाह, कितना प्यारा खरगोश। कितना दिलचस्प पाई है। और वाह, बहुत बढ़िया स्पाइरल। मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ये बहुत बड़ी है। यह स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट। और अब दादी की पाई। वाह, वे बहुत स्ट्रिंगी है और चॉकलेट के साथ एकदम मस्त है। दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, कितना प्यारा, कितना मीठा। बहुत बढ़िया। ओह, कितना छोटा खरगोश, कितना छोटा और इतना प्यारा और बहुत ही स्वादिष्ट। हाँ, सच में कमाल का। बहन, इस बार जीत तुम्हारी हुई है। अरे हाँ, मैं जीत गया। वाह, मैं मीठा खाने से अपने को रोक नहीं सकता। मैं क्या खाना चाहती हूँ? हाँ, मैं समझ गई। मुझे वॉफल चाहिए, क्रीम और स्ट्रॉबेरी के साथ स्वादिष्ट घर का बना वॉफल। वॉफल, दादी बेटी आटा गूंदने के लिए तैयार है। साधारण घर का बना वॉफल, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। नॉम नॉम, क्या हुआ? हम खाने की चुनौती में हैं, है ना? हाँ, लेकिन हमें बेबी एमा को खिलाने की जरूरत है। तुम्हें नहीं सूजी, मेरी प्यारी एमा वॉफल मांग रही है और दादी उन्हें अभी पकाएगी। मैं आटा गूंथूंगी, मैं और आटा डालूंगी, फिर मैं अंडा तोड़ूंगी, बहुत सारी चीनी और सबसे ताजा दूध। और अब मैं एक विस्क के साथ सब कुछ ठीक से मिला दूंगी। आटा अच्छी तरह मिलाया जाना चाहिए ताकि कोई गांठ ना हो। तुम क्या देख रही हो रोज? आपका डो बहुत गाढ़ा है, लेकिन मेरा एकदम सही है। इसे प्लेटों में आसानी से डाला जा सकता है। प्रत्येक में फूड कलरिंग की एक बूंद डालें और डो तैयार कर लें। इस तरह से हमारे पास मल्टी कलर डो तैयार हो जाएगा, जिससे मैं रेनबो वॉफल बनाऊंगी। ये सबसे अच्छे वॉफल होंगे। ओह, वे पहले ही बैटर तैयार कर चुके हैं। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं न्यूटेला बैटर बनाऊंगी। आटा और दूध सीधे जार में डालूंगी और चॉकलेट बैटर तैयार करूंगी। बैटर तैयार है और अब इसे वॉफल मेकर में डाल सकते हैं। एक सुंदर भूरा वॉफल बाहर आ जाएगा। वाह, वहाँ शेफ क्या कर रही है? वह कुछ दिलचस्प लेकर। मैं एक वॉफल मेकर में मल्टी कलर्ड बैटर की लेयर्स डालूंगी, सावधानी से ताकि रंग आपस में ना मिले। मुझे दिल के आकार में इंद्रधनुष वॉफल मिलेगा, सुंदर और स्वादिष्ट। किसी भी डिश को प्रेजेंट किया जाए यह मायने रखता है। मैं रंगीन वॉफल को स्टिक में लगाऊंगी और उसके टिप को चॉकलेट में डुबोऊंगी और फिर रंगीन स्प्रिंकल्स में, और फिर इसे प्लेट में खूबसूरती से रख दूंगी। और बस, स्वादिष्ट और सुंदर वॉफल तैयार है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, शायद दादी ने इतनी खूबसूरत वॉफल नहीं बनाई है, लेकिन दादी जानती है कि उसमें क्या डालना है। हमें वॉफल के ऊपर मैपल सिरप को अच्छी तरह से डालना होगा, फिर चॉकलेट सॉस का एक जाल बनाए, ऊपर से पीसी चीनी छिड़के और स्ट्रॉबेरी डाले। और अब सही वॉफल तैयार है। मेरा अभी भी सबसे अच्छा है। ओह, और मुझे वॉफल को किसके साथ सजाना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। स्किटल्स कैंडीज के साथ वॉफल सजाऊंगी।
तो वे भी रंगीन हो जाएंगे और बहुत स्वादिष्ट। तो अब सब कुछ तैयार है, अब डिश को खाया जा सकता है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं इन वॉफल को खाती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं और इसमें स्ट्रॉबेरी भी है जैसा मैं चाहती थी। यह मुँह में आते ही घुल जा रहा है, बस उंगलियाँ चाट कर खाने लायक। अब आगे कौन सा खाऊं? ये रेनबो दिल अलग से लग रहे हैं। मैंने पहले कभी ऐसे वॉफल नहीं देखे हैं। मैं एक बार में दोनों वॉफल को खाऊंगी। मुझे यह बहुत पसंद आया। वाह, यह वॉफल कितना अच्छा लग रहा है। मैं यह खाऊंगी। बाइट लेना आसान नहीं था लेकिन स्वाद अद्भुत है। क्या यह न्यूट्रेला वॉफल है? मुझे वास्तव में यह पसंद है। मुझे किसे चुनना चाहिए यह तय करना बहुत कठिन है। सभी वॉफल बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ खाऊंगी। ओह एमा, क्या तुम्हें मेरी वॉफल पसंद आई? दादी, मुझे सब पसंद आया। ओह, लगता है मैंने बहुत खा लिया। मुझे बचाओ, हमने उसे ज्यादा खिला दिया। सभी प्रतियोगियों को बधाई, यह राउंड ड्रॉ हो गया। और अब मैं चाहती हूँ मार्शमेलो के साथ कोको। अरे जागो कोको। हाँ छोटी बहन, मुझे पता है कि तुम्हें क्या पसंद है। कोको कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं सब कुछ जल्दी तैयार कर दूंगी। मुझे कोको बहुत पसंद है। अरे दादी जागो, मैं सबको खिलाऊंगी। गुड मॉर्निंग दादी, उठो। अरे जागो दादी। क्या मेरी पोती कोको चाहती है? अब दादी इसे तैयार करेगी, मेरी बच्ची दूध पिएगी। और अब चलो कुछ न्यूटेला लेते हैं, लेकिन पहले दादी खुद इसे चखेगी। कितना स्वादिष्ट है। मैं और पेस्ट निकालूंगी और इसे गर्म दूध में मिलाऊंगी। अब हमें सब कुछ अच्छी तरह मिलाना है। यह उबल रहा है, क्या तुम्हें कुछ अच्छी खुशबू महसूस हो रही है? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं भी करूंगी। केवल किसी कारण से यह खुल नहीं रहा है। मैं पूरी भींग गई हूँ। मुख्य बात यह है कि अभी भी दूध बचा है और मैं अपनी बहन के लिए कोको बना सकती हूँ। और इसमें मैं अब थोड़ी चॉकलेट डालूंगी, इस तरह से। मैं इसे लाइन में रखूंगी। और तुम छोटे चॉकलेट, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें भी पकाऊंगी। बस सभी को नीचे तक भेजना है। सूजी, तुम क्या कर रही हो? ठीक है, मैं एक शानदार डेजर्ट तैयार करूंगी, एक चॉकलेट बॉम्ब। स्वादिष्ट। सॉस को आधे गोल शेप में सांचों में डाले, फिर मैं इसे मोल्ड के किनारों पर चम्मच से समान रूप से फैला दूंगी। मैं उन्हें ठंडा करने के लिए रखूंगी और थोड़ी देर बाद मुझे आधे गोले मिलेंगे। अब बस उन्हें भरना और जोड़ना ही बाकी रह गया है। मैं फिलिंग के रूप में कोको पाउडर का उपयोग करूंगी। मैं प्रत्येक आधे में एक चम्मच कोको डालूंगी। फिर मैं मुट्ठी भर मार्शमेलो लूंगी और उन्हें कोको पर ऊपर से रखूंगी। अब दूसरे गोले से इसे कवर करना बचा है और बॉम्ब तैयार है। फाइनल टच, मैं बॉम्ब पर चॉकलेट सॉस डालूंगी और थोड़े से नारियल के बुरादे भी। बहुत सुंदर। बमों को एक ग्लास गर्म दूध के साथ परोसा जाना चाहिए। कितना बढ़िया मास्टरपीस। तुम क्या बना रही हो? ओह, कोई बड़ी बात नहीं है, दादी ने भी कुछ बुरा नहीं किया है। मैं एक कप में कोको डालूंगी और ऊपर से मार्शमेलो डालूंगी। यह गर्म कोको में पिघल जाएगा। क्या खुशबू है। और बेशक मैं ओरियो चॉकलेट कुकीज जोड़ूंगी। आखिरकार मेरी पोती को चॉकलेट कुकीज के साथ कोको पीना पसंद है। क्या ऐसे ड्रिंक सर्व किए जाते हैं? ओह, कितना भयानक। बचाओ आग। ओह, इसे बुझा। ओह, ये एक नुस्खा है, मैंने अभी इसका आविष्कार किया है। यहाँ सब कुछ तैयार है, तुम इसे ट्राई कर सकती हो। उसे चूल्हे के पास नहीं जाने दिया जा सकता। हुरे, आखिरकार मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ। यह क्या है? कुछ जले हुए की तरह बदबू आ रही है। मैं एक टुकड़ा ट्राई करती हूँ।
आह, यह भयानक स्वाद का है। इसे बाहर फेंक देना चाहिए। अब मुझे कौन सा ट्राई करना चाहिए? मेरा फेवरेट ओरियोस। दादी जानती है कि मुझे ओरियो कुकीज के साथ कोको पीना पसंद है। कुकीज को कोको में भिंगो सकते हैं। यह नरम हो जाएगा और मुंह में पिघल जाएगा। बहुत स्वादिष्ट। कोको का स्वाद भी अद्भुत है। दादी आपने अच्छा किया, आपने बिल्कुल वैसा बनाया जैसा मुझे पसंद है। कैसा अजीब चॉकलेट बॉल है, मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है। शायद मुझे उस पर दूध डालना होगा। वाह, वो पिघल रहा है और इसके अंदर मार्शमेलो है। वाह, मैं इसका स्वाद लूंगी। बहुत स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद है। मैं इस ड्रिंक को चुनती हूँ। मैंने इसे बनाया, मैं जीत गई, मुझे पता था। इसमें ऐसी क्या बात है? उफ, वो कितनी खट्टी। तो मैं एक साधारण डिश से शुरू करने का सुझाव देती हूँ। मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता बनाओ। यह एकदम आसान है। इसके लिए हमें सबसे साधारण नूडल्स की जरूरत होगी। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं पकाया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यह कर सकता हूँ। लेकिन मैं इस छोटे से फ्राइंग पैन में सभी नूडल्स कैसे डालूं? हाँ, यह एक कठिन मामला है। देखो और सीखो। तुम्हें बस नूडल्स को तोड़ने की जरूरत है, फिर वे निश्चित रूप से किसी भी पैन में फिट होंगे। अब उन्हें अच्छे से उबालने और हिलाने की जरूरत है। ओ, यह जैसे मैंने सोचा था उससे भी आसान है। अरे नहीं, मेरी नूडल्स जल गई। यह बेकार लग रहा था। माफ करना, क्या उसने बर्तन फेंक दिया? हाँ, मुझे पता है कि कौन निश्चित रूप से हारेगा और मुझे पता है कि कौन जीतेगा। वो मैं हूँ। इस छोटे सॉस पैन के बजाय मैं एक बड़े फ्राइंग पैन का इस्तेमाल करती हूँ, जिस पर मैं पहले ताजा टमाटर भूनूंगी। हाँ, और अब हम इसमें थोड़ा नूडल्स डाल सकते हैं। हाँ, इस तरह असली पास्ता तैयार किया जाता है। ओह बकवास, तुम पानी निकालना भूल गई। यहाँ देखो यह कैसे किया जाता है। देखो, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे अपने चश्मे को पोंछने के लिए कुछ चाहिए। बेटी, मुझे आशा है कि तुम बुरा नहीं मानोगी। मेरी शेफ ड्रेस उस काम के लिए नहीं है। मैं इसमें सबसे स्वादिष्ट डिशेस बनाती हूँ। मुझे इसके लिए किसी सूट की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी स्वादिष्ट पास्ता के साथ अपनी पोती को खुश करूंगी इस तरह से। और मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, यह ठीक रहेगा। एक पुरानी नूडल्स रेसिपी का उपयोग क्यों ना करें? मुझे बस कच्चे नूडल्स के दो क्यूब्स लेने और उन्हें केतली में उबालने की जरूरत है। यह तेज, आसान और बहुत स्वादिष्ट होगा। एकदम ओरिजिनल तरीका। और मैं नूडल्स में कुछ ग्रेट किया हुआ चीज डालना जा रही हूँ, तो मेरा डिश भी स्वादिष्ट हो जाएगा। कितना बेकार। यह सब सुंदरता की भावना के साथ किया जाना चाहिए और थोड़ा सॉसेज भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसे सभी पसंद करते हैं। बस इस खुशबू को महसूस करो। मैं खुद इस पास्ता को खाना चाहूंगी। मुझे लगता है कि मेरा पास्ता भी तैयार है। बस थोड़ा केचप डालने का समय है। हाँ, तेज, अब समय है इसे चक्कर देखने का। आखिरकार यहाँ सब कुछ कितना स्वादिष्ट है। केवल केतली में नूडल्स मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। शायद मैं उसके साथ चखना शुरू करूंगी। ठीक है, मैं खा कर देखती हूँ। उफ, क्या गड़बड़ है। अब मैं अपने फेवरेट सॉसेस के साथ पास्ता को ट्राई करूंगी। ये बिल्कुल अलग मामला है। बहुत स्वादिष्ट। जीत के लिए अंतिम दावेदार अभी भी बचा हुआ है। हाँ, यह चीज के साथ नूडल्स, इससे स्वादिष्ट कुछ नहीं हो सकता है। यह बहुत अच्छा है। दादी, तुम जीत गई। हाँ हाँ, मुझे पता था कि मैं जीतने वाली हूँ। मुझसे सीखो। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। दूसरे दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए इस तरह की एक कुकी बनाएं। हाँ हाँ।
और यह कैसे किया जाता है? बहुत आसान, शायद मैं इसे बहुत आसानी से जीत जाऊंगी। हाँ, लो कर लो बात, दादी भी खेल में है। ओह, मुझे अपनी बूढ़ी पुरानी गर्दन को इस तरह नहीं स्ट्रेच करना चाहिए था। सबसे पहले मुझे आटे को छानना होगा और बेशक जरूरी मसाले भी डालने होंगे। और दालचीनी के बिना कैसी कुकी? बस इस तरह से। आपका क्या ख्याल है दादी माँ? और चीनी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? चीनी के बिना किस तरह की कुकीज बनाई जाती है? बस थोड़ा सा मिलाना है इस तरह से। ओह, मुझे लगता है कि मैं भी आटा संभाल सकता हूँ। ओह या नहीं, खैर अब मेरा पूरा चेहरा इसमें पोता हुआ है। उफ, क्या मुसीबत है। ओके। हाँ, और वास्तव में बहुत खराब। और मैं चीनी नहीं भूली हूँ, इसे बस पिघले हुए मक्खन में मिलाना है और बेशक अच्छी तरह मिलाना है, बस इस तरह से। अब इस तैयार मिश्रण को आटे में मिलाया जाना चाहिए। उसके बाद इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से अच्छे से मिलाया जाना चाहिए। मैं अभी बटर के बारे में भूली नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे अपने हाथों से मस लूंगी क्योंकि कुकीज को प्यार से पकाया जाना चाहिए। बेशक हमें सिरप के बारे में नहीं भूलना चाहिए। आह, इसके साथ ये बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होगा। इस बटर के साथ आखिर मैं काम कैसे करूं? ओह, ये बहुत स्लिपरी है। ओह, ये बस मेरे हाथों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे एक हाथ इसे मिलाने के लिए काफी है। मेरा डो लगभग तैयार है। अब इसे केवल एक फ्लैट पैनकेक में बदलना ही बाकी रह गया है। और साथ ही साथ पैनकेक को मापना भी बहुत जरूरी है ताकि मैं अंदाजा लगा सकूं कि मैं कितने कुकीज बना सकती हूँ। और मैं इसके लिए नए डिजाइन के सांचे का उपयोग करती हूँ ताकि कुकीज बहुत सुंदर तैयार होगी, बस इस तरह से। जरा इसको देखो, है ना अच्छे कमाल के। वाह, ओह, आप लोगों का लगभग सब कुछ तैयार है। मैं दूसरों के साथ कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? शायद ये मेरे लिए डो से कुकीज बनाने का समय है। मैं निश्चित रूप से इसको संभाल सकता हूँ। बिल्कुल सही, बस इस तरह से मैं एक जिंजर ब्रेड मैन को तैयार करूंगा। थोड़ा इधर से पैर निकालता हूँ और फिर यहाँ। हाँ, ये ठीक है। ओह, ये क्या आटा, यह कितना बेस्वाद है। मेरा लिटिल मैन तैयार है और उसका घर भी तैयार है। अब कुकीज को ओवन में रखने का समय है। तो कैसा रहेगा जब ये तैयार होकर निकलेगा? ये कब तैयार होंगे? बहुत जल्दी, थोड़ा इंतजार करो। तड़ाम, जरा देखो मैंने कितना प्यारा तैयार किया है। पर मेरा सबसे अच्छा है। अगर मैं इसे रात में देख लूं तो मैं सो नहीं पाऊंगी। यह मेरे ब्रेडमैन के लिए घर बनाने का समय है। मैंने इस घर के सभी डिटेल कुकीज के साथ बनाए ताकि इसे बाद में खाया जा सके। इतने सारे कैंडीज और इतना मीठा। वाह, देखो असली घर की तरह लग रहा है। जरा इस घर पर एक नजर डालो, इसे देखकर मुझे नया साल का माहौल मिलता है। और मुझे ये तब मिलता है जब मैं रंगीन कुकीज देखती हूँ। ये बहुत प्यारा है। ओह ठीक है, आँखों के लिए कैंडी की जरूरत है और मैंने पहले ही लगभग पूरा पैक खा लिया है। वाह, शेफ बेटी ने सब कितना अच्छा किया है। हाँ, पर मैं क्या करूँ? तुम सही हो, उसे एक असली नए साल का स्वर्ग मिला है। हाँ, चलो देखने का समय है। वाह, ये जिंजर ब्रेड हाउस है, कितना बढ़िया। और बहुत सारे कुकीज, बस जिस तरह का मैं सपना देख रही थी। हाँ, ये किस तरह का मॉन्स्टर है? मुझे उम्मीद है कम से कम स्वादिष्ट होगा। ये कितना सूखा है। नहीं, ये अच्छा नहीं है, मुझे यह कुकीज पसंद नहीं है। पर ये बीच वाली कुकीज अच्छा है। इसके अलावा वे वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। खैर, अब जिंजर ब्रेड हाउस को चखना शुरू करने का समय है। शायद मैं उसके दरवाजे से शुरू करूंगी। हाँ, है ना।
चलो चक्कर देखती हूँ। वाह, मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं इस पूरे घर को खा जाना चाहती हूँ और बेशक इसके सभी निवासियों को भी। बहुत अच्छा, ये कभी मेरे लिए ज्यादा नहीं होगा। मैं इसे पूरा खा लेना चाहती हूँ। ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है, बहुत ही बढ़िया। बेटी, इस बार तुम जीतने वाली हो। हाँ हाँ, इसमें मुझे कोई शक नहीं था। बेशक ये पहले सेकंड से स्पष्ट था।